सही है। अभी तानी भाई थोड़ा बताएंगे, तानी के बारे में डिस्क्रिप्शन में बाद में डालूंगा कि तानी कौन है, मैं तानी को कैसे जानता हूँ और तानी का क्या काम है यहाँ पे। थोड़े हेल्पफुल लिंक्स भी डालूंगा उसमें, जैसे जो तानी का बिज़नेस है, अगर कोई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं लेह लद्दाख में, तो तानी का जो बिज़नेस है मैं डिटेल में बताऊँगा बाद में कि तानी क्या करता है। और आई होप आप लोगों को तानी की सर्विसेज पसंद आएंगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं, तानी भाई हम कहाँ पर आए थे और हमने क्या देखा? अभी आज हम आए थे यहाँ पे डॉक्टर शिशु जी, ये क्या कहते हैं, मुडबाज गुरु पद्मसंभावा, इंडियन तांत्रिक जो गुरु पद्मसंभावा है ना जी, उनका जन्म मतलब जन्मदिन के तौर पे मना रहा है। ठीक है, तो वो जो सारा वो निकला था झांकी सा, वो क्या था? वो सब गुरु पद्मसंभावा का फॉलोअर्स, ठीक है, शिष्य वो थे, स्टूडेंट्स वो सब है। तो ये हर साल में होता है, इसी मंथ मतलब अभी अगस्त फर्स्ट वीक पे होता है। ठीक तो है, ये गांव ले से तकरीबन 60 किलोमीटर फार है, दूर है, और ऊपर का जो आप रोड दिख रहे हैं वो पैंगोंग के लिए जाते हैं, वो रास्ता ये जो सामने सामने पहाड़ से वो पैंगोंग के लिए चंगला पास क्रॉस करके, ये स्तूपा नीचे, और ये स्तूपा है काफ़ी बहुत पुराने स्तूपा है। इनकी क्या हिस्ट्री है थोड़ी सी आप जो मुझे बता रहे थे तानी? स्तूपा वैसे आजकल एक मेमोरियल के लिए भी बनाते हैं, मतलब गुड लक ये विजडम सबके लिए होता है। मतलब सुनने ऐसे मैंने सुना है कि ज़माने में जो राजा लोग था वो एक पनिशमेंट के तौर पे वो बनाने देते थे, तो जो कोई गलती करता था, पाप करता था, जब उनको पकड़ते थे तो जेल के बजाय उनको बोलते थे आप स्तूपा बनाए, आप ये ऐसा खड़ा कर ऐसा बना शेप पे, फिर उनको बनाना पड़ता था ऐसा। और यहाँ पे क्या स्तूपा में कोई आके पूजा कर सकते हो आप? हाँ ऑब्वियसली, मगर आजकल एक स्तूपा बनता है जिसमें बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ डालते हैं उसके अंदर, मंत्रा एक होली बुक्स बहुत कुछ डालते हैं, उसकी वजह से उसका वो क्या कहते हैं अपना बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है स्तूपे का। ठीक है, आप जाके पूजा कर सकते हो, सामने बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब लाभ है। सही है, ये एक साइट पे ये बना रखा है, ये एक मेमोरियल के लिए भी बना रखा है, जो एक मतलब कोई मतलब यहाँ पे लद्दाख में हेड लामा जैसे गुरु रिंपोचे कहते हैं, अगर वो गुजर गया उसके मेमोरियल के लिए भी बनाते हैं। मेमोरियल के लिए भी स्तूपा बनाए जाते हैं? जी, मेमोरियल के लिए भी बनाते हैं, और इसमें बहुत कुछ डाले जाते हैं, मंत्रा सोना चांदी हीरा मोती बहुत कुछ डाला जाता है उसके अंदर, जब ये बनाते हैं उसके अंदर जूम बोल के बनाते हैं, उसके अंदर पूरा डाला जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है बनाने में। तो आज के टाइम में भी बनता है? आज के टाइम में भी बनाते हैं जी, ज़्यादातर गुरु रिंपोचे जैसे हेड लामास होते हैं या कोई एक लीडर होता है जिसने लद्दाख के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, उनके मेमोरियल के लिए बनाते हैं, सब लोग नहीं बनाते। सही है। तो गाइस अभी ये है कि अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस लेह की तरफ, मे भी हम कुछ वहाँ पर जाके कैफ़े वगैरह डिस्कवर करेंगे, मतलब डिस्कवर क्या करेंगे, ले तानी का लोकल है तो यहाँ पे लेके जाएंगे, कहीं बैठेंगे थोड़ा स्नैक्स या लंच करेंगे कहीं पे रास्ते में, और फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे आगे। रोड काफ़ी बम्पी हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बारिश की वजह से थोड़ा स्नो भी पड़ता है हर साल इतना ज़्यादा, तो रोड की कंडीशन उस वजह से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, काफ़ी चश्मे का पानी है। हाँ, ये जो चश्मा है पानी पूरी साफ पानी स्प्रिंग वाटर कहते हैं इसे जी, इसमें क्या लिखा हुआ डू नॉट वॉश क्लोथ्स एंड व्हीकल्स, ये यहाँ पे चश्मे का पानी है, ये यहाँ से निकल, ये चश्मे का पानी कहाँ से आता था? अंडरग्राउंड अपने आप ज़मीन के नीचे से निकलता है। सही है, सही है, चलो ठीक है, फिर अभी हम यहाँ से तो खारू की तरफ जाएंगे और खारू में वहाँ जाके कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं थोड़ा आगे का ब्लॉग बनाएंगे वहाँ से, खारू से फिर ले। ठीक है, ओके बाय गाइस, और ये सामने का एक व्यूज आपको दिखा दूँ मैं, बहुत
पुराना पैलेस है जमाने का। ये पुराना कोई पैलेस है, बहुत पुराने जमाने का, 8th-9th century का। 8th or 9th century का, वाह। अभी ये तो बेचारा खंडर हो चुका है यहाँ पे, मुझे लग रहा है टूट फूट गया ना। चलिए